अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, राजेंद्र नगर मदीना मस्जिद के पास सनशाइन फाउंडेशन की जानिब से गरीब लोगों में तरकारी को तकसीम किया गया, जिसमें मोहम्मद वहीद, मतीन, मोहसिन के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। ये लोगों की जानिब से आए दिन तरकारी को तकसीम किया जा रहा है। ऐसे ही हर नौजवान को आगे आना चाहिए और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। मोहम्मद समी के साथ मैं शेख अहमद अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अब्दुल वहीद, फाउंडर ऑफ सनशाइन फाउंडेशन। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डे वन जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक सनशाइन फाउंडेशन की पूरी टीम जो है पब्लिक सर्विस में जो है काफ़ी जिद्दोजहद कर रही है। इस जिद्दोजहद में हमारी पूरी टीम का जो है एकदम एक्टिवली वर्क रहा है, जिनका नाम हमारे मोहसिन भाई, मतीन भाई और हफीज़ पेट पे रिजवान, जो कि डेली 300 पैकेट जो है पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आज फिर से जो है तरकारी, वेजिटेबल्स, नमक एंड आटा, ये सब चीज़ों का एक पैकेट बनाकर 300 से 400 घर को जो है आज फिर से जो है हम जो है ये सब चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डे वन से लेके आज तक राशन किट जो है 600 प्लस राशन किट्स हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो है हम करने का जज्बा रखते हैं। और जो भी है ये सनशाइन फाउंडेशन की टीम जो है एक दूसरे से कंट्रीब्यूट कर करती है, ये हमारा फ्रेंड सर्किल ही है। जैसे कि आप अभी कहाँ कहाँ पे तकसीम करें? देखिए, अभी फिलवक्त तो देखिए हम लोग ओवैसी हॉस्पिटल की तरफ से एलबी नगर जी, हफीज़ पेट जी और राजेंद्र नगर पूरा सर्किल, आसपास के जितने भी स्लम एरिया है वहाँ पर हर एरिया में जो है हम पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह। ये जो आज का प्रोग्राम है आपका, ये आज का प्रोग्राम जैसे कि कहाँ पे सोच के आप निकले हैं? आज का प्रोग्राम देखिए, हम एक दो एरिया को टारगेट करे हैं, जो कि एक हसन नगर है और वादिया महमूद है और चिंतल बेट एरिया, क्योंकि पब्लिक का कहना है कि जो है ना हर जगह हमको राशन नहीं मिल रहा है, राशन की जो है ना हकदार को हक नहीं मिल रहा है, बोल के वो बता रहे हैं। बिल्कुल पब्लिक का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो है ये सब चीज़ों को देखते हुए ही जो है हम स्टैंड लिए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह उस गरीब का हक जो है वो गरीब के घर तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए।